राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आज हमारा चैप्टर है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान आरएस के अंदर जो है फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की इतिहास और आर्ट एंड कल्चर। आज हम देखेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर सबसे पहले अपन टॉपिक लेंगे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, प्रमुख त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार एवं मेले, एवं मेले। हमारे राजस्थान के बारे में एक कहावत प्रचलित है, यूं कहूं राजस्थान के बारे में ही नहीं, हमारे हिंदू जितने भी त्यौहार हैं उनके बारे में एक बड़ी कहावत प्रचलित है कि तीज त्यौहार ने बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि श्रावण तीज से हमारे हिंदू जो भी त्यौहार होते हैं शुरू हो जाते हैं और गणगौर पे चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को जो गणगौर आती है उसको हमारे त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहावत प्रचलित है तीज त्यौहार ने बावड़ी ले डूबी गणगौर, उसी को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे आज राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। देखते हैं हमारे जितने भी राजस्थान के त्यौहार हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर जितने भी राजस्थान के त्यौहार आते हैं वो जो हमारे हिंदू कैलेंडर है, हिंदू जो पंचांग है उसके अनुसार आता है। हमारे जो हिंदू महीने होते हैं वो शुरू होते हैं चैत्र से और समाप्त होते हैं फाल्गुन पे, और समाप्त होते हैं फाल्गुन पे। लास्ट बात करूं, जो भी हिंदी महीना शुरू होता है वह कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। कौन से पक्ष से शुरू होता है? कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, और जो समापन होता है हिंदू महीने का वह पूर्णिमा को समापन होता है। हमेशा हिंदू महीना जो भी समाप्त होता है वो कब होता है? पूर्णिमा को। हिंदू महीने के अंदर दो पखवाड़े चलते हैं, एक कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा होता है 15 दिन का, और एक शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा होता है 15 दिन का। एक शुक्ल का होता है और एक किसका होता है? कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा होता है, यानी 15-15 दिन, यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। अगर बात करें अपन चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को, चैत्र शुरू होगा और इसका जो 15 दिन आएगा वो आएगा अमावस्या का। कौन सा आएगा? अमावस्या, यानी कि प्रतिपदा दोज तीज चौथ पांच छठ सात आठ नौवीं दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और फिर क्या जाएगी? अमावस्या आ जाएगी। उसके बाद कौन सा पक्ष शुरू हो जाएगा? शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। शुक्ल पक्ष में भी वही प्रतिपदा से शुरू होगा और प्रतिपदा के बाद वही प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पांच छठ सठ आठ नौवीं दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और फिर क्या जाएगी? पूर्णिमा, यानी कि चंद्रमा इस दिन अपनी जो 16 कला है कंप्लीट कर लेता है और पूर्णिमा को पूरी तरह से चंद्रमा दिखाई देता है, और धीरे धीरे वापस जैसे दूसरा पक्ष होगा कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा और चंद्रमा धीरे 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 कम होता चला जाएगा। अब देखते हैं अपन लास्ट फागुन पूर्णिमा को एक पर्व आता है हमारा होली, एक पर्व आता है हमारा होली पूर्णिमा को। होली के बाद शुरू होता है हमारा एक पर्व होता है, वह है एक पर्व है हमारा, उसका नाम है चैत्र कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। अब हमारा हिंदू कैलेंडर शुरू हो रहा है चैत्र कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है। मैंने कहा था कि जब भी हिंदू महीना शुरू होता है किससे शुरू होता है? कृष्ण पक्ष से, याद रखना है। और जब भी समापन होता है कब समापन होता है? पूर्णिमा को समापन होता है हिंदू महीना। ध्यान दीजिए चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शुरू होगी और प्रतिपदा को बहुत ही बड़ा पर्व आता है, उसका नाम है धुलंडी। क्या आएगी? धुलंडी। ऐसे धुलंडी क्यों मनाई जाती? देखिए ऐसे कहा जाता है होलिका के जो पति थे वो कौन थे? इलोजी। इलोजी मारवाड़ के लोक देवता है, इलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। इलोजी मारवाड़ के देवता थे, इन्हें छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है होलिका को ब्रह्मा जी से एक आशीर्वाद मिला था, एक वरदान मिला हुआ था कि होलिका तुझे वायु अग्नि और पानी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कभी भी, लेकिन ये जो है लोक कल्याण के लिए इस वचन को काम में लेना है, इस आशीर्वाद को काम में लेना है। लेकिन होलिका का जो भाई था हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद का पिता, वह जो है अपने बेटे पुत्र जो था उसका पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था, इसलिए उसने होलिका को कहा कि तू इसको जो है गोद में लेकर बैठ जा। ऐसे कहा जाता है कि नीचे से लखड़ डाल दिए गए और नीचे से आग लगा दी गई और होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ये जो वाला वरदान है अग्नि से कभी नहीं जलेगी, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करती है, लोक कल्याण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो होलिका जो है तेरा वरदान समाप्त हो जाएगा। ऐसे कहा जाता है होलिका तो जल गई पूरी और भक्त प्रहलाद बच गए,
इलोजी की इस समय शादी थी, इलोजी बरात लेकर यहाँ पहुंचे होलिका के पास में, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि वह तो कली जल के राख हो गई, और इलोजी को इस दुख के कारण उन्होंने क्या किया, पूरी राख अपने शरीर पे लपेट ले। अब किसी की पत्नी मर जाए तो फिर दुखी नहीं होगा तो क्या होगा आदमी, तो दुख के मारे उसने क्या की, अपने जो है शरीर पे पूरी बानी लपेट ली, धूल लपेट ली, धूल मल ली। इस कारण से क्या मनाई जाती है, धूलंडी। उसके बाद दूसरा पर्व आता है कृष्ण पक्ष में शीतला अष्टमी। कौन सा पर्व आता है, शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी की बात करूं मैं, एकमात्र ऐसी देवी है शीतला माता, शीतला माता ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है शीतला माता की। शीतला माता कृष्ण पक्ष में कैसे, क्योंकि शीतला माता पे किसी ने जो है गर्म पानी उड़ेल दिया था चावलों का, और उससे वह ठंड की तलाश में कुमार के घर जाती है, और कुमार जो उसको छात राबड़ी पिलाता है और उसके जो है उसको जो है सुविधा उपलब्ध करवाता है, उससे शीतला माता को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है। शीतला माता उसको वचन देके जाती है कि आज से आप लोग जो कुमार जाति के लोग मेरी पूजा करोगे और आप ही मेरे पुजारी होंगे। तब से ऐसे कहा जाता है शीतला माता का सवारी तो हो गया गधा, और शीतला माता की पूजा होने लगी। आज हम बांसुड़ा का जो पर्व मनाते हैं वो शीतला अष्टमी को मनाते हैं। कैसे याद रखोगे, जलने के कारण शीतला माता के क्या हो गए थे, चेहरे पे धब्बे हो गए थे, और धब्बे होने से चेहरा क्या पड़ गया था, काला। तो कौन से पक्ष में आएगा, कृष्ण पक्ष में आएगा। कौन से पक्ष में आएगा, कृष्ण पक्ष में। तो शीतला अष्टमी इसका मेला बढ़ता है बेटा जयपुर में, सील की डूंगरी चाक सुतहसील के अंदर माधो सिंह ने इसका मंदिर बनवाया था। शीतला माता का एक अन्य मंदिर है, वह है उदयपुर के अंदर। शीतला माता का एक अन्य मंदिर है वो कहाँ पे, उदयपुर में, और जयपुर में चाकसू, चाकसू सील की डूंगरी, चाकसू सील की डूंगरी, सील की डूंगरी जो पहाड़ी है उस पे शीतला माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी को जो है मेला भरता है। उसके बाद देखिए इसे चेचक की देवी भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पर्व आता है अपना, उस पर्व का नाम है देखिए चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी अपना, सिर्फ एक पर्व हुआ है, चैत्र कृष्ण पक्ष में अपना हो गया, धुलंडी हो गया, और धुलंडी के बाद अपन ने एक हो गया अपना धुलंडी, दूसरा हो गया अपना शीतलाष्टमी, शीतला अष्टमी, और तीसरा पर्व है अपना वह है गुड़दा अष्टमी। कौन सा, गुड़दा अष्टमी, गुड़दा अष्टमी। देखिए ध्यान दीजिए, गुड़दा अष्टमी ऐसे कहा जाता है कि धुलंडी के दिन से ही जो है गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है, 16 दिन तक ये राजस्थान में इसकी पूजा की जाती है। गुड़दाष्टमी के दिन ऐसा कहा जाता है जोधपुर के अंदर 140 कन्याएं जो है गणगौर पूजने गई हुई थी, मल्लू खान ने जोधपुर पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, और उस समय जोधपुर पर जो है अधिकार था सातलदेव का। कन्याओं को बचाने के खातिर जो है ऐसे कहा जाता है मल्लू खान का जो सेनापति था गुड़दे खा, कौन था ये, गुड़दे खा था। गुड़दे खा ने क्या किया, 140 कन्याओं का किडनैप किया, उनको बंदी बनाया और कहां ले गए, अजमेर। उसके बाद ऐसे कहा जाता है सातलदेव को जब इस बात का पता चला तो सातलदेव अपनी सेना के साथ जाता है और गुड़दे खां से क्या उन कन्याओं को जो है छुड़ा लाता है। उसकी याद में क्या किया, गुड़दे खां का सर लेकर आता है कौन, सातलदेव, और उसके सिर के अंदर 8 छिद्र कर दिए जाते हैं, 8 छेद कर दिए जाते हैं, और इन 8 छेदों के साथ जो है महिलाएं बड़ी खुशी होती है, प्रसन्न होती है, और उसकी याद में ये गुड़दाष्टमी मनाई जाती है। खुशी का पर्व है, और खुशी के लिए खुशी का पर्व था, लेकिन ये दुखी का पर्व भी था, इसलिए इनका काल भी था कन्याओं का, इसलिए क्या मनाया जा सकता है, कृष्ण पक्ष में इसको मनाया जाता है। गुड़दाष्टमी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखें कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। उसके बाद अगला पर्व आता है अपना, ये तो हो गए कौन से पक्ष की बात, यानी चैत्र कृष्ण पक्ष के 3 पर्व है, धुलंडी, शीतलाष्टमी और गुड़दाष्टमी। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष के, चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में बात करेंगे अपन। शुभारंभ हो रहा है किनका, नवरात्रों का। किनका शुभारंभ हो रहा है, नवरात्रों का। किनका शुभारंभ हो रहा है, नवरात्रों का, और नवरात्रों के बाद नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे कहा जाता है। आरएस इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर महेंद्र सिंह सुराणा ने, जो फॉर्मर आईएएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने अपने प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम में भी 2-3 बार इस क्वेश्चन को रखा है। क्वेश्चन क्या था कि आज भी हिंदू जो नववर्ष है धुलंडी के दिन ही शुरू हो जाता है, लेकिन धुलंडी के दिन हिंदू नववर्ष को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, इसको मनाते क्यों नहीं है। ऐसा कहा जाता है, हमारे एक मान्यता है कि कृष्ण पक्ष में अच्छे कार्य कम होते हैं,
होते तो लेकिन कम होते, उसको शुभ नहीं माना गया। इसलिए 15 दिन निकलने के बाद यानी कि अमावस्या निकलने के बाद फिर जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तब इस नववर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। अब नवरात्र शुरू हो गए तो अगला पर्व आता है फिर इसमें दूसरा, यानी नवरात्र कब आ जाएंगे, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवरात्र शुरू हो गए। उसके बाद नववर्ष भी इसी दिन, उसके बाद द्वितीया को, द्वितीया को क्या आ जाएगा सिंजारा, द्वितीया को क्या आ जाएगा सिंजारा। उसके बाद तृतीया, और तृतीया को बहुत महत्वपूर्ण पर्व है वह है गणगौर, गणगौर कौन सा पर्व है गण, गण है यहाँ पे शिव, गण किसको माना गया है यहाँ पे शिव को माना गया है, गण किसको माना गया है गण यहाँ पे शिव को, गण यानी शिव, और गौर यानी है पार्वती, गौर यानी क्या है बेटा पार्वती है। यानी कि 16 दिन तक जो गणगौर की पूजा हुई है चैत्र के अंदर वो आज जाके क्या हो गई समाप्त हो गई। गणगौर में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, आरएसपी 2016 के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर, तो ना आंसर होना चाहिए नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है नखराली गणगौर, नखराली नखराली गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नखराली गणगौर है बेटा जैसलमेर की, कहाँ की है जैसलमेर की, नखराली गणगौर कहाँ की है जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है धींगा गणगौर कहाँ की है, धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है धींगा गणगौर बेटा जोधपुर की, कहाँ की है जोधपुर की। ऐसे कहा जाता है यहाँ बिना शिव के जो गणगौर बनाई जाती है यानी कि गणगौर न के बराबर पूजी जाती है जोधपुर के अंदर, क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब गुड़दे खां से युद्ध करते हुए सातल देव आए तो सातल देव की जो है गणगौर पे आते आते इनकी मृत्यु हो गई थी, दुखी के कारण जो है यहाँ पे क्या नहीं मनाई जाती है गणगौर नहीं मनाई जाती। प्रसिद्ध गणगौर है, प्रसिद्ध है बेटा, प्रसिद्ध गणगौर है जोधपुर की और उदयपुर की, जोधपुर की और उदयपुर की प्रसिद्ध गणगौर है, जोधपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध गणगौर है। तो ये था अपना चैत्र का महीना, चैत्र कृष्ण पक्ष में दुलंडी, शीतलाष्टमी और गुड़दाष्टमी, याद रखें कृष्ण पक्ष है दुलंडी पे काले पीले हो जाते हैं, बिल्कुल सरल है क्योंकि अपन सब कलर करते हैं तो काले तो कौन सा पक्ष में कृष्ण पक्ष में, शीतलाष्टमी को शीतला माता का चेहरा काला हो गया जलने के कारण तो कौन सा पक्ष कृष्ण पक्ष, गुड़दाष्टमी कन्याओं का काल था तो यानी कौन सा पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष शुभारंभ हो रहा है किसका नवरात्रों का, शुभ कार्य कर रहे हैं नवरात्रों का शुभारंभ, नववर्ष का शुभारंभ तो यानी कि शुक्ल पक्ष में हो रहा है। द्वितीया को सिंजारा भी शुभ कार्य, गणगौर बहुत अच्छा पर्व है भगवान शिव का पर्व है, ठीक है शुक्ल पक्ष में है, धींगा गणगौर जोधपुर की है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा संबंध की है, नखराली गणगौर जैसलमेर की है, और प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो है जयपुर, प्रसिद्ध जो है जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना जयपुर और उदयपुर की, हाँ मैंने जोधपुर गलती से लिख दिया था, ध्यान दीजिए आगे। अब अपना आगे चलते हैं अगला महीने पे, और नेक्स्ट मंथ आता है अपना चैत्र बैसाख, बैसाख का महीना आता है, बैसाख में एक बहुत ही बड़ा पर्व है, बिल्कुल शॉर्ट है याद रखना है, शुभ विवाह होते हैं, क्या होते हैं शुभ विवाह, विवाह हमेशा शुभ होते हैं, कार्ड में हम देखते हैं तो क्या लिखा होता है साफ साफ लिखा होता है शुभ विवाह, क्या लिखा हुआ होता है शुभ विवाह, तो सीधी सी बात है शुभ विवाह होंगे तो सीधी सीधी अपन को कैसे याद रखना है शुक्ल पक्ष में होगा, किसमें होगा शुक्ल पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में कौन से पक्ष में शुक्ल पक्ष तृतीया का एक बहुत बड़ा पर्व आता है शुक्ल पक्ष तृतीया, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को उसको बोलते हैं अक्षय तृतीया, क्या बोलते हैं अक्षय तृतीया बोलते हैं, क्या बोलते हैं अक्षय तृतीया, और अपनी इसमें बोल सकते हैं अपन आखा तीज, आखा तीज, आखा तीज शुक्ल पक्ष तृतीया को कौन सा पर्व आएगा आखा तीज आएगा, अक्षय तृतीया अभुज सावा, इसको आप बोल सकते हो अभुज सावा, अभुज सावा, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी पर्व पर होते हैं अभुज सावा पर सर्वाधिक बाल विवाह, सर्वाधिक सर्वाधिक बाल विवाह इसी पर्व पर होते हैं, ध्यान रखना अभुज सावा है और सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं बूंदी में, और जिस जाति के अंदर होते हैं गुजर जाति में बहुत ज्यादा होते हैं बाल विवाह बहुत ही ज्यादा, तो ध्यान रखना अक्षय तृतीया शुभ विवाह याद रहेगा आपको कोई बड़ी बात नहीं है। बैसाख के बाद अपन चलते सीधा सा चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, जेठ में बेटा तपती धूप पड़ने लग जाती है गर्मी पड़ने लग जाती है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली थी तीज त्योहार ने बावड़ी ले डूबी गणगौर, क्योंकि गणगौर आ चुकी है तो अब त्योहार नहीं आएंगे न के बराबर त्योहार आएंगे वही श्रावण तीज से शुरू होंगे तो इसलिए बहुत कम त्योहार आएंगे। जेठ में वही शुक्ल पक्ष में चलना है अपन को, इसमें भी सीधे सीधे कृष्ण पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, इसमें न के बराबर त्योहार है। शुक्ल पक्ष में तपती गर्मी धूप तो आपको क्या रहना है भूखा प्यासा रहना है, क्या रहना है भूखा प्यासा, तो क्या आएगी बेटा निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी आएगी, निर्जला एकादशी, क्योंकि अपन को पता है निर्जला में न तो अपन को अन्न खाना है न जल पीना है,
एकादशी हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी एकादशी आएगी लगभग लगभग सब शुक्ल पक्ष में आती है। 99% जो एकादशी आएगी वो कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है, निर्जला एकादशी। अब आदमी जब भूखा प्यासा रहेगा तो उसको कहां पे जाना है? उसको छाया चाहिए तो कहां पे जाएगा? पीपल के वृक्ष की छाया में जाएगा। किसकी छाया में जाएगा? पीपल के वृक्ष की छाया में जाएगा, निर्जला एकादशी। तो पीपल के वृक्ष की छाया के अंदर जाता है तो उसको शांति मिलती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है बेटा। और जो अपने पीपल पूर्णिमा आती है वो अलग है, ध्यान रखना। पीपल पूर्णिमा जो एक सावा है वो अपने बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये पीपल पूर्णिमा है जो इसमें वृक्ष की पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी इस दिन धर्म का एक बड़ा पर्व है, सबसे बड़ी एकादशी है। उसके बाद जेठ के बाद अगला महीना आता है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ। अब आएगा बेटा आषाढ़। कौन सा आएगा? आषाढ़ का महीना आएगा। कौन सा महीना आएगा? आषाढ़। देखो आषाढ़, लेकिन अपनी जो है राजस्थानी भाषा में इसको आषाढ़ नहीं बोलते, अपन साढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साढ़। तो साढ़, साढ़ में सोजा, साढ़ में सोजा। सोएंगे कौन बेटा? देवता। कौन सो जाएंगे? देवता। तो क्या आएगी बेटा? देवसैनी एकादश। देवसैनी एकादश क्या आएगी बेटा? देवसैनी एकादश। देवसैनी एकादश क्या आएगी? देवसैनी एकादश आएगी। देवता सो गए। अब जब देवता सो गए आषाढ़ के अंदर, क्या सो गए बेटा? आषाढ़ में कौन सो गए? देवता। यानी कौन सा पक्ष की बात कर रहे हैं? शुक्ल पक्ष। मैंने कहा था कि जितनी भी एकादशी आएगी वो कब आएगी? हमेशा शुक्ल पक्ष में आएगी। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्या आएगी? और आषाढ़ साढ़, साढ़ में सोजा, कौन सोएंगे? देवता। यानी देव सयनी एकादशी, एकादशी। अब जब देवता सो गए तो पृथ्वी किस पे टिकी हुई? गुरुओं पे। तब क्या जाएगी बेटा? गुरु पूर्णिमा। क्या जाएगी? गुरु पूर्णिमा। ये पृथ्वी किस पे टिकी हुई बेटा? गुरुओं पे। तो क्या जाएगी? गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में। ये दो पर्व ध्यान रखना, एकादशी देवसेनी एकादशी, आषाढ़ में सोजा, कौन सोएंगे? देवता और गुरु पूर्णिमा। अब देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, और उसके बाद आता है सावन। दोनों को ध्यान समझने लगा। अपन जो है आषाढ़ तक पढ़ चुके थे, आषाढ़ के बाद अब देखिए सावन और भाद्रपद। सावन और भाद्रपद में एक थोड़ा सा जो कंफ्यूजन का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, छोटी तीज और बड़ी तीज है, दोनों ही तीज है, लेकिन छोटी तीज बड़ी तीज दोनों आती है अलग अलग मंथ में। छोटी तीज सावन में आती है, बड़ी तीज भाद्रपद में आती है। पक्ष भी अलग अलग है, कैसे याद रखेंगे? सीधी सी बात है, जब छोटा बच्चा होता है तो बिल्कुल सुंदर होता है, सुशील होता है, सुंदर होता है, और कैसा दिखता है? बिल्कुल सफेद। तो यानी कि सफेद यहाँ किसका प्रतीक है? शुक्ल पक्ष का। कैसे याद रखेंगे अपन? यानी जो छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल सफेद और सुंदर होता है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? छोटी तीज की बात हो रही है। तो कैसे याद रखेंगे? छोटी तीज कब आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। बड़ी तीज, और जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है टेंशन बढ़ती जाती है और धीरे धीरे चेहरे का नूरी गायब हो जाता है, यानी कि बिल्कुल काला पड़ता जाता है, तो ये कौन से पक्ष में आएगी? कृष्ण पक्ष में। क्योंकि कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आएगी दोनों तीज को, ये शुक्ल पक्ष है तृतीया को आएगी, ये कृष्ण पक्ष है तृतीया को आएगी। अब देख, इसमें ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ बताया। अब इसमें देखेंगे अपन एक एक, सावन के देखेंगे पहले। श्रावण में आपको पता है सावन के अंदर जो है जबरदस्त बारिश बरसती है, तो बारिश बरसती है तो सावन में क्या निकलेंगे? नाग। आपको पता है जैसे बारिश बरसती है तो क्या निकलने लग जाते हैं? नाग। तो क्या आएगी? नाग पंचमी। नाग पंचमी क्या आएगी बेटा? नाग पंचमी, नाग पंचमी कृष्ण पक्ष। तो नाग कैसे होते हैं? काले होते हैं। नाग कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। नागों से डरने की जरूरत नहीं है। क्या आएगी? निडरी नवमी। क्या आएगी? निडरी नवमी। नागों से डरने की जरूरत नहीं है। क्या आएगी बेटा? निडरी नवमी या नेवला नवमी। निडरी नवमी या नेवला नवमी आएगी, वह कब आएगी? सावन कृष्ण पक्ष नवमी को। श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी को आएगी, क्योंकि आपको पता है, आपने कहावत भी सुनी है कि नेवला किसका वध करता है? नाग का वध कौन करता है? नेवला करता है। इसलिए नाग के पीछे पीछे ही क्या आएगा? नेवला आएगा। और कौन से पक्ष में आएगा? कृष्ण पक्ष में आएगा। उसके बाद आगे देखिए, जब बहुत तेज बारिश बरसती है तो आप सभी को पता है क्या छा जाएगी चारों तरफ, क्योंकि सावन के अंदर तो क्या बरसती है? बारिश होती है अच्छे से, तो क्या जाएगी? हरियाली अमावस्या। अमावस्या, और कौन सी अमावस्या बेटा? हरियाली। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? हरियाली अमावस्या। तो ये तो बेटा किसके थे? कृष्ण पक्ष के। ध्यान रखना इस हरियाली अमावस्या को एक बहुत बड़ा मेला बढ़ता है, कल्प वृक्ष मेला, यानी कि खेजड़ी का मेला बढ़ता है, कल्प वृक्ष मेला। और ये बढ़ता है बेटा मांगलियावास, मांगलिया
मांगलिया वास अजमेर में क्वेश्चन पूछा गया है कई दफे कि मांगल्यावास का कल्पवृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है। मांगल्यावास कब बढ़ता है, श्रावण अमावस्या को बढ़ता है, हरियाली अमावस्या को कल्पवृक्ष मेला बढ़ता है, ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, अपन ये तो था अपना कौन सा कृष्ण पक्ष की बात थी, अब चलते हैं सीधे सीधे सावन शुक्ल पक्ष, सावन शुक्ल पक्ष, श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण शुक्ल पक्ष। अब कौन सा पक्ष चलेगा अपना, शुक्ल पक्ष चलेगा। देखिए शुक्ल पक्ष में शुक्ल अच्छा है, अच्छे का प्रतीक है, तो सीधे सीधे मैंने क्या है, क्या आएगी छोटी तीज, क्या आएगी बेटा छोटी तीज, छोटी तीज। और ये कहां की प्रसिद्ध है, अपने जयपुर जिले की प्रसिद्ध है, कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर गुलाबी नगर की प्रसिद्ध है, जयपुर कहां की प्रसिद्ध है छोटी तीज, यहाँ तीज की सवारियां निकाली जाती है, छोटी तीज कहां की है, जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा पर्व आता है, फिर उसके बाद पूर्णिमा, क्या आएगी पूर्णिमा, लास्ट दिन कौन सा है सावन का, पूर्णिमा, यानी कि इसको नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं, नारियल, नारियल पूर्णिमा, नारियल, नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा। इस दिन आता है रक्षाबंधन, कौन सा त्योहार आता है रक्षाबंधन, भाई बहन का पर्व का एक बहुत अच्छा बंधन है, ठीक है, और एक ऐसा रिश्ता है बिल्कुल पवित्र रिश्ता है भाई बहन का, और इसको नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं, रक्षाबंधन भी बोलते हैं। अब उसके बाद आ जाओ आप सीधे सीधे सावन के बाद भाद्रपद, कौन सा भाद्रपद, भाद्रपद में पहले मैंने कहा था कि प्रत्येक महीना कौन से पक्ष से शुरू होता है, कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, तो कृष्ण पक्ष में हम देखेंगे सीधे सीधे पहले कौन सी आएगी, बड़ी तीज, कौन सी तीज आएगी बेटा, बड़ी तीज, और बड़ी तीज कहाँ की है, बूंदी की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की, कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी जिले की प्रसिद्ध है बड़ी तीज। अब बड़ी तीज के अन्य नाम क्या है, देखो इसको बड़ी भी बोलते हैं, कजली तीज भी बोलते हैं, कजली तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, सादूड़ी, सादूड़ी तीज, भादूड़ी, कौन सी बेटा, भादूड़ी, भादूड़ी और बूढ़ी, मैंने कहा था बड़ी बूढ़ी, बूढ़ी, बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज, तो ये अन्य नाम हो गए, कई दफा है कजली तीज, और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की है, कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। उसके बाद देखें तो ये कब आएगी बेटा, भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को, कब आएगी बेटा भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को, सीधी सी बात है, तीज यानी तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को बूढ़ी तीज आएगी। उसके बाद देखिए अगला जो पर्व आता है वो आता है भादवे के अंदर, भाद्र पद में अगला जो पर्व आएगा, बड़ी तीज हो गए, कृष्ण पक्ष में ही क्या कौन जन्मे थे, भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे, कौन जन्मे थे, तो क्या आएगी कृष्ण जन्माष्टमी, क्या आएगी कृष्ण जन्म अष्टमी, कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म अष्टमी, कृष्ण जन्म अष्टमी, यानी कि कौन सा पक्ष चल रहा है अभी, तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, ध्यान रखना कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष ही चल रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी, ध्यान रखिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी, इसी दिन नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर यानी कि आप कह सकते हो सेकावाटी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है ये, ठीक है, नरहड़ के पीर का उर्स लगता है, और ये बढ़ता है बेटा देवगढ़ रोड है, मैं पिछले 6 सालों से वहीं था, देवगढ़ रोड पे है बेटा चिड़ावा, चिड़ावा से आगे देवगढ़ और पिलानी के बीच में स्थल है नरहड़ के पीर, इसका दूसरा नाम है शक्कर पीर, दूसरा अन्य नाम है शक्कर पीर का उर्स, और उर्स का ध्यान दीजिए, उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या है, कई दफे क्वेश्चन पूछा गया है, और उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है विवाह या मिलन, विवाह या मिलन, ध्यान रखिए उर्स में क्या होते हैं, ऐसे मान्य इनके मुस्लिम समुदाय के अंदर कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा किससे मिलती है, परमात्मा से मिलती है, एक तरह से दो आत्माओं का मिलन ही क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है, इसलिए हमेशा उर्स सूफी संत जो होते हैं उनके मृत्यु दिवस पे बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखना जितने भी सूफी संत हुए हैं उनके मृत्यु पे क्या बढ़ता है, उर्स बढ़ता है, उर्स का अर्थ क्या होता है विवाह या मिलन, उर्स का अर्थ क्या होता है विवाह या मिलन होता है। आपको पता है फिर कृष्ण जन्माष्टमी, नरहड़ के पीर का उर्स, और इसी दिन
एक और बहुत बड़ा पर्व बढ़ता है, उसका नाम है अपने मेहा मांगलिया अष्टमी भी बोलते हैं इसको, मेहा मांगलिया अष्टमी, जो पंच पीरों के अंदर है मेहा मांगलिया अष्टमी। बापणी गांव जोधपुर, बापणी, बापणी जोधपुर के अंदर, जोधपुर में। अब इसको कैसे याद रखें, कृष्ण नाम ही कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण पक्ष आ रहा है, नारायण के पीर का उत्सव है। बापणी जोधपुर के अंदर भी जो है मेहा मांगलिया जी का मेला पड़ता है इसी दिन। कृष्ण भगवान से बड़े इनके भाई थे बेटा बलराम जी, और बलराम जी क्या रखते थे, हल रखते थे। इसको लिए क्या बोलते हैं, इसको हल छठ बोलते हैं। हल छठ यानी कि छठे को दो दिन पहले बड़े थे तो दो दिन पहले जन्मेंगे, हल छठ आ गए। उसके बाद देखें गोगा नवमी क्या आएगी, गोगा नवमी। अब गोगा जी क्या रखते थे बेटा, गोगा जी जो है सांपों का देवता भी कहा गया है इनको, सांपों का देवता, क्योंकि इन्होंने जो है तक्षक नामक सर्प को बुलाया जब इनकी पत्नी को सांप डस गया था, और एक कढ़ाई ली और तेल मढ़ा उसके अंदर और सारे सर्प आने लगे, और वापस उसी नाग देवता ने इनकी पत्नी का जो जहर चूमा, उसके बाद इनको जो है नागों का देवता कहा जाने लगा। गोगा नवमी, गोगा जी क्या रखते थे, नाग रखते थे, तो गोगा नवमी कौन से पक्ष में आएगी, कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है, कृष्ण पक्ष नवमी को, कृष्ण पक्ष नवमी को क्या आएगी, गोगा नवमी। और गोगा नवमी का नहोर हनुमानगढ़ में मेला पड़ता है, नहोर हनुमानगढ़, नहोर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, नहोर हनुमानगढ़ में जो है गोगा नवमी, एक पशु मेला भी है, ठीक है, नहोर हनुमानगढ़ के अंदर पशु मेला भी पड़ता है। उसके बाद ये तो थे अपने कौन से पक्ष के, कृष्ण पक्ष के नवमी तक। उसके बाद आ जाओ आप अपने शुक्ल पक्ष में, कौन से पक्ष में आ जाओ, शुक्ल पक्ष में देखेंगे भादवे के महीने के शुक्ल पक्ष के कौन से प्रमुख त्यौहार है वो देखिए। शुक्ल पक्ष कौन सा, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष देखिए भादवे में, वही प्रतिपदा से शुरू होगा, प्रतिपदा को कुछ नहीं है, क्या आएगा सीधा सीधा है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी यानी कि चौथ, क्या बोल सकते हो आप, गणेश चौथ भी बोल सकते हैं इसको। गणेश जी का मेला कहां पे बेटा, अनेक जगह भरा जाता है, लेकिन इसमें प्रमुख मेले कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, यानी कि एकमात्र ऐसा है जो अपने बाप को गया है, कौन, गणेश जी, क्योंकि भगवान शंकर भी त्रिनेत्र वाले हैं। और ये कहां पे, सवाई माधोपुर रणथंबोर, सवाई माधोपुर रणथंबोर के अंदर पड़ता है, सवाई माधोपुर रणथंबोर, सवाई माधोपुर रणथंबोर के अंदर बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। गणेश चतुर्थी कब आएगी, शुक्ल पक्ष में, कैसे याद रखोगे, गणेश जी को किसका प्रतीक माना गया है, शुभ का, क्योंकि अपन जब भी किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले निमंत्रण किसको देते हैं, गणेश जी को करते हैं, गणेश जी को निमंत्रण देते हैं, चाहे शादी करें, चाहे कोई सा भी बिजनेस प्रारंभ करें, या कोई सा भी कार्य करते हैं, तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए बाजना गणेश जी, कई दफा क्वेश्चन पूछा गया बाजना गणेश जी, बाजना गणेश जी, और बाजना गणेश जी का मंदिर है बेटा सिरोही के अंदर, कहाँ पे, सिरोही में, इसे कहा जाता है इसके पास में एक झरना है, उस झरने से आवाज रहती रहती है, इसको बाजना गणेश जी कहते हैं। एक है बेटा नाचना गणेश जी, नाचना, और नाचना गणेश जी बेटा अलवर के अंदर, कहाँ पे, अलवर में, क्योंकि इसकी इनकी जो मूर्ति है वो नाचते हुई एक नृत्य करती हुई प्रतीक है, इसलिए कौन सा, नाचना गणेश जी का, ठीक है, वो कहाँ पे, अलवर में। सबके मेले ध्यान रखना, गणेश जी के भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को ही भरेंगे, ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे, गणेश जी के बाद, गणेश चतुर्थी के बाद अगला आएगा अपने वो देखिए, ध्यान दीजिए अगला कौन सा पर्व पड़ता है अपना, राधा अष्टमी, क्या आएगी बेटा, राधा अष्टमी, क्योंकि राधा गोरी थी, भगवान श्री कृष्ण काले माने गए, तो राधा किसमें जन्मेगी, शुक्ल पक्ष में, राधा अष्टमी यानी कि कब, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जन्मेगी, याद रखना। इससे पहले आप कह सकते हो माई सात जिसे अपन बोलते हैं सप्तमी को, देवनारायण जयंती आती है, देव जी का मेला आता है यहाँ पे, देव नारायण जयंती, अरे देवनारायण जयंती बेटा इस उपलक्ष में मनाई जाती है, ध्यान रखना। इस दिन देवनारायण जी की लीला घोड़े का अवतार हुआ था, उनके जो लीला घोड़ा उनकी सवारी है, उस लीले घोड़े की जयंती भी इस दिन जो है पदयात्रा निकलती है, देवनारायण जी के अन्य प्रमुख देवरे जिसमें देवधाम जोधपुरिया, आसीन भीलवाड़ा, बालाश्री डोंगरी, अनेक देवरे हैं, ठीक है। तो देवनारायण जयंती कब आएगी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को, सप्तमी, सप्तमी, ठीक है, राधा अष्टमी, राधा गोरी थी तो वही भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को। उसके बाद देखिए राधा अष्टमी के बाद अपन बात करेंगे, इसमें जो इसी दिन एक और पर्व आता है, वो आता है बाबा भरतरी का मेला, बाबा भरतरी, बाबा भरतरी का मेला, ये बढ़ता है कल्पटे साधुओं का मेला और मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ का कुंभ बोल सकते हो आप इसको, मत्स्य संघ का कुंभ,
मत्स्य संघ का कुंभ, बाबा भरतरी का मेला, ये भी राधा अष्टमी को ही भरता है। उसके बाद इसमें आएगी बेटा सीधी सीधे अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे तो आगे आती है तेजादशमी, तेजादशमी। और तेजादशमी के दिन ही ध्यान रखना, कई दफा क्वेश्चन आया तेजादशमी के अंदर जोधपुर के अंदर खेजड़ी जो मेला भरता है वो तेजादशमी के अंदर ही भरता है। कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को, तेजादशमी को खेजड़ी मेला भी भरता है। और तेजादशमी यानी कि तेजाजी की जो जयंती है, तेजाजी का जो मेला है, चंद्रिया अजमेर प्रमुख परबसर नागौर अनेक जगह भरता है, तो ये उस दिन तेजादशमी मनाई जाती है। इसी दिन जो है विश्वकर्मा जयंती भी है, विश्वकर्मा जयंती, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आती है भादवे में, अगला अपना पर्व आता है भादवे के महीने का, भाद्रपद के महीने का, भाद्रपद महीना चल रहा है अपना, उसका शुक्ल पक्ष चल रहा है और सब पक्ष चल रहा है शुक्ल। अब आएगी जल झूलनी एकादश, जल झूलनी एकादश, एकादश मैंने शुरू में बताया था कि जितने भी एकादश आएगी वो शुक्ल पक्ष में आएगी। कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में। यानी इस दिन क्या करते हैं, भगवान को जो है बाहर निकालते हैं, जितने भगवान होते हैं उनको मंदिरों से, और जो उनका मंदिर होता है छोटा, उस मंदिर के अंदर बिठाकर उनको जो है सैर करवाई जाती है, उनको निलाया जाता है मंदिर, तालाब या नदियों के किनारे, जिस प्रकार की सुविधा है गाँव के अंदर उस प्रकार से, और इसका उपवास भी रखती है महिलाएं। तो जल झूलनी एकादश, और ये जल झूलनी जो एकादश है ये नाथ द्वारा राज संबंध की और अपने चित्तौड़गढ़ में जो सांवरिया सेठ है वहां की प्रसिद्ध है, ठीक है, वहां इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद आ जाओ आप, ये तो थे किसके, भादवे के महीने के। अब आ जाओ भाद्रपद के बाद अपन सीधे सीधे चलते हैं अश्विन में, अश्विन, अश्विन के महीने की बात करें आसोज में, तो आसोज में कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक तो क्या शुरू हो जाते हैं, श्राद्ध चलते हैं, 15-16 दिन तक तो क्या चलते हैं, श्राद्ध चलते हैं, इसलिए कोई सा पर्व नहीं मनाया जाता। शुक्ल पक्ष के अंदर, कौन से पक्ष में बेटा, शुक्ल पक्ष में नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। नवरात्रों में क्या है वो देखिए, शुक्ल यानी कि अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवरात्र शुरू हो गए। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार दो प्रकार के नवरात्र होते हैं, एक चैत्र के नवरात्र और एक अश्विन के नवरात्र, एक चैत्र के नवरात्र और किसके, अश्विन के। तो ये अश्विन के नवरात्र हैं, अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्र शुरू होंगे। और इसमें महत्वपूर्ण जो पर्व है वह है दशहरा, दशहरा विजयदशमी जिसे हम बोलते हैं, विजयदशमी का पर्व है। किसका पर्व है? विजयदशमी, विजयदशमी। और विजयदशमी पे ध्यान रखना, कई दफे क्वेश्चन पूछा गया है, अश्विन शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से क्या हो जाएंगे, नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, और क्या आएगा वो ध्यान दीजिए, नवरात्रे, क्या जाएगी बेटा, नवरात्रा। और नवरात्रा में क्या है इंपोर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, विजयदशमी, कौन सा पर्व आएगा, विजयदशमी का पर्व आएगा। और विजयदशमी पे ध्यान रखिए, दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, दशहरा राजस्थान में, दशहरा तो कोटा का प्रसिद्ध है, और पूरे इंडिया के अंदर मैसूर का, पूरे इंडिया में यानी पूरे भारतवर्ष में वो कहाँ का प्रसिद्ध है, मैसूर। और मैसूर कहाँ है बेटा, कर्नाटक में, कहाँ का प्रसिद्ध है, कर्नाटक का प्रसिद्ध है, मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पड़ता है, खेजड़ी के वृक्ष की कब पूजा की जाती है, खेजड़ी के वृक्ष की कब पूजा की जाती है, खेजड़ी के वृक्ष की कब पूजा की जाती है, तो दशहरा को की जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगला पर्व आता है इसमें, और इसी अश्विन की पूर्णिमा को जो है हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शरद पूर्णिमा, ऐसे कहा जाता है अश्विन पूर्णिमा को क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, खीर बनाकर ऊपर छत पे रख देते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि इस दिन क्या व्रत बरसता है, अमृत बरसता है, और उस खीर को खाने से व्यक्ति क्या होता है, शुद्ध वातावरण का और एक शुद्ध सद्बुद्धि उसको मिलती है, इस प्रकार की मान्यता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ चलता है अपना चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, कार्तिक, अपन चल रहे थे कार्तिक में, कार्तिक माह के अंदर कैसे कार्तिक, देखो कैसे कार्तिक, कैसे करवा, कैसे कार्तिक, कैसे करवा, और कैसे कृष्ण पक्ष, देखो तीनों चीजें इक्वल है, कैसे कार्तिक का महीना, कैसे करवा, कैसे कृष्ण पक्ष, और कौन सी बेटा, चौथ, चौथ, कैसे कार्तिक, कैसे करवा, और कैसे कृष्ण, करवा चौथ। उसके बाद अपने पढ़ा था त्रियोदशी, त्रियोदशी यानी तेरस, क्या पढ़ा था, तेरस, धनतेरस, इसको बोलते हैं
धनतेरस, इस दिन जो है बर्तन खरीदना जो है धनतेरस, बर्तन खरीदना जो शुभ माना जाता है, कौन से पक्ष में आएगी? अभी कृष्ण पक्ष में आएगी। उसके बाद आती है चौदस, और इसको बोलते हैं अपन रूप चौदस, रूप है चौदस, और इसको बोलते हैं अपन छोटी दीपावली। क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली। क्या बोलते हैं इसको? रूप चौदस या छोटी दीपावली, या आप बोल सकते हैं इसको छोटी दीपावली। क्या बोलते हैं अपन? छोटी दीपावली, छोटी दीपावली। उसके बाद देखिए अमावस्या, किसकी अमावस्या? कार्तिक अमावस्या। और इस दिन हिंदू का, यानी हिंदू समाज का, हिंदू संप्रदाय का, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है, वो होता है दीपावली। और मोस्टली उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा, आपको पता है साउथ में दीपावली बहुत कम मनाते हैं वो लोग, दुर्गा पूजा में विश्वास रखते हैं, दीपावली उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा। तो दीपावली इस दिन जो है कार्तिक अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, और इवनिंग के टाइम में, शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी पूजन होता है। और अपने हिंदू धर्म के अंदर जो है लक्ष्मी जी का जो वास है वो गाय के रूप में माना गया है, और इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है। इसके दूसरे दिन शुरू होता है बेटा गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा आप बोल सकते हो गोवर्धन पूजा या गोवर्धन पूजा, यानी कि कब आएगी? प्रतिपदा। लेकिन प्रतिपदा कौन सा पक्ष का? शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है अब। किसका? कार्तिक का। शुक्ल पक्ष में देख ले, दोनों पक्ष में अंतर है, अमावस्या को आती है शुक्ल पक्ष, कार्तिक को आएगी क्या? गोवर्धन पूजा। इस दिन जो है गोवर्धन पूजा की जाती है, और मथुरा में विशेषकर बहुत बड़ा पर्व इसका मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव, कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है अन्नकूट महाउत्सव, और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है बेटा महाउत्सव, अन्नकूट महोत्सव है नाथद्वारा राजसमंद का, नाथद्वारा राजसमंद। इस दिन जो ठाकुर जी महाराज के भोग लगाया जाता है, बाजरा सरसों मूली इनका एक जो है भोग बनाया जाता है, और भोग लगाया जाता है अन्नकूट महोत्सव, नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए आगे, नेक्स्ट अन्नकूट महोत्सव हो गया, उसके बाद आती है अपने द्वितीया, और द्वितीया को बोलते हैं अपन भई दूज, यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को भई दूज, भई दूज। पहले भइयों की पूजा की जाती थी, कलम और कॉपी की पूजा करते थे, भइयों की पूजा करते थे, साहूकार महाजन होते थे। धीरे धीरे आज ये भई तो नहीं रहा, लेकिन क्या हो गया? क्योंकि आजकल सब अकाउंट जो ऑनलाइन हो गए, और क्या हो गया? भाई दूज हो गया। ये क्या हो गया? भाई दूज जो है, भाई बहन के जो है दूज, भाई बहन के जो है कपड़े लेकर जाता है, कई जिलों में तो ये है, और कई जयपुर में तो ये है कि जो है बहन भाई की आती है, और जब तक भाई खाना नहीं खाता जब तक बहन नहीं आती है, तो भाई दूज। उसके बाद कार्तिक नवमी को बहुत बड़ा एक पर्व आता है, वो आता है आंवला नवमी, आंवला नवमी। और आंवला नवमी कब आएगा? कार्तिक, कार्तिक नवमी को, कार्तिक नवमी। कैसे याद रखेंगे? आंवला अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, तो कौन से पक्ष में आएगा? शुक्ल पक्ष में आएगा, ठीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को क्या आएगी? आंवला नवमी, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इससे पहले एक दिन और आती है गोपाष्टमी, गोपा अष्टमी। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, गोपा अष्टमी, वही शुक्ल पक्ष में। गाय का बछड़ा बिल्कुल अच्छा होता है, शुभ कार्य का प्रतीक माना गया है। उसके बाद आ जाओ आप कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी, एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी, देव उठनी एकादश, देव उठनी एकादश आएगी, एकादश देव उठनी एकादश। यानी इस दिन जो है चार महीने जो देवता सोरे थे वो उठ जाते हैं, और जो है शादी विवाह यानी मांगलिक कार्य जो है, मांगलिक जितने भी कार्य होते हैं हमारे, वो शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह, मकानों की मुहूर्त, जो भी चीजें हैं सारी चीजें शुरू हो जाती है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा को, लास्ट का दिन होता है कार्तिक का, कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा पर्व है, वह है आदिवासियों का कुंभ, और आदिवासियों का कुंभ बरता है ये कार्तिक पूर्णिमा को जो है पुष्कर का मेला, सॉरी किसका? पुष्कर। और पुष्कर का मेला कहाँ पे? अजमेर में। सबसे रंगीन मेला, सबसे महंगा मेला, यहाँ पे घोड़ों और ऊँटों का जो है क्रय विक्रय बहुत ज्यादा होता है, पुष्कर अजमेर के अंदर सबसे रंगीन, क्योंकि यहाँ विदेशी पर्यटक भी बहुत ज्यादा आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को सबसे रंगीन मेला, यानी आप बोल सकते हो मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इस दिन ऐसे कहते हैं कि एक महीने तक जो कार्तिक स्नान होता है, वो कार्तिक स्नान क्या होता है?
पूरा होता है, जो महिलाएं एक महीने से जो स्नान करती है कार्तिक स्नान उस दिन पूरा होता है, और इस दिन जो है दीपदान उत्सव भी किया जाता है। दीपदान महोत्सव तो प्रसिद्ध है कोलायत झील बीकानेर का, कोलायत झील बीकानेर का दीपदान महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, कोलायत झील बीकानेर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। यहाँ पर भी दीपदान महोत्सव किया जाता है पुष्कर झील में, लेकिन ये प्रसिद्ध नहीं है। दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है कोलायत झील बीकानेर का, क्योंकि जब स्नान कंप्लीट होता है तो महिलाएं क्या करती है, एक बहुत सारे दीपकों को एक साथ में लेकर उनको जो है पुण्य का कार्य मानते उसको जो है विसर्जित करती है, थाली लेकर तालाब के अंदर झील के अंदर छोड़ दिया जाता है जलाए हुए दीपकों को। उसके बाद देखिए कार्तिक के बाद अब महीना शुरू होता है अपना माघ का। माघ में ध्यान रखना, एक तो माघ कार्तिक पौष सॉरी पौष आएगा, और पौष में जो है पौष बड़ा महोत्सव होता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखो ये शुक्ल पक्ष में होता है पौष बड़ा महोत्सव, ये पूरे एक महीने तक चलता रहता है। उसके बाद माघ, माघ में पौष माघ फागुण, ठीक है, माघ में माघ शुक्ल पंचमी को ध्यान रखना, माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, और माघ शुक्ल पंचमी को क्या आता है बसंत पंचमी, क्या आता है बसंत पंचमी, बिल्कुल शुभ पर्व माना गया है। माँ सरस्वती का जन्मदिन होता है बसंत पंचमी, ऋतुराज, ऋतुओं का राज जो बसंत को कहा जाता है उसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि फसल अपने आप का यानी कि नई डाल लेती, नए पीले फूल खिल जाते हैं, पूरी तरह से बसंत हो जाता है, पीला कलर छा जाता है, जैसे भारत माता ने एक तरह से पीले कलर की जो है चुनर ओढ़ ली है। तो और माघ के महीने में एक और आता है, माघ पूर्णिमा को बोलते हैं मौनी अमावस्या, माघ में ही आती है, माघ अमावस्या सॉरी, माघ अमावस्या में आती है मौनी अमावस्या, यानी इस दिन जो मौन व्रत रखा जाता है मौनी अमावस्या इसको बोलते हैं माघ में। उसके बाद आ जाओ माघ मास की पूर्णिमा को, माघ मास की पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ, और कहां पे, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ कहां पड़ता है, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, वेणेश्वर, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, वेणेश्वर, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, आसपुरा तहसील में पड़ता है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, त्रिवेणी संगम है, सोम माई जाखम नदियों का संगम है त्रिवेणी संगम, वहां पे मेला भरता है आदिवासियों का, माघ मास की पूर्णिमा को भरता है। उसके बाद आ जाओ अगला जो मंथ है अपना, माघ के बाद चलता है अपना फाल्गुन, कौन सा आएगा अब फाल्गुन, और फाल्गुन में अपने दो त्योहार आते हैं मुख्यतः, एक तो आता है त्रयोदशी, त्रयोदशी यानी तेरस, और तेरस को आता है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि शिव जी का, यानी कि महाशिवरात्रि तो रात्रि कैसी होती, काली होती, कभी भी सफेद रात्रि नहीं होती, तो सीधी सी बात है कौन सा पक्ष है कृष्ण पक्ष। और शिव जी का मेला जो है अपने ईसरदा स्वाई माधुपुर में प्रमुख है, ईसरदा स्वाई माधुपुर में पास में ही है, ईसरदा स्वाई माधुपुर के अंदर, ठीक है, इसका भव्य मेला भरता है, द्वादशा ज्योतिर्लिंग है ईसरदा स्वाई माधुपुर के अंदर, ठीक है, शिवरात्रि जो शिव जी का मेला भरता है यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन स्वाई माधुपुर जिले में है। उसके बाद देखिए पूर्णिमा को, लास्ट जो पर्व पढ़ा था अपन ने पूर्णिमा को, एक और पूर्णिमा को एक पर्व है होली, कौन सा पूर्णिमा को होली, जो मैंने पहले बता चुका हूं मैं, ये लास्ट अपना पर्व था होली, जो कब आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, कब आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, होली का पर्व आता है फाल्गुन पूर्णिमा को। एक और ध्यान रखना, एक छोटा सा रह गया था बीच में, चैत्र, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक फूल डोल महोत्सव बढ़ता है, फूल डोल महोत्सव, महोत्सव सापुरा भीलवाड़ा के अंदर फूल डोल महोत्सव चलता है, पांच दिन तक चलता है, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक चलता है फूल डोल महोत्सव भीलवाड़ा में, राम स्नेही संप्रदाय का जो है यहाँ पे मुख्य पीठ है सापुरा भीलवाड़ा में, सहापुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है भीलवाड़ा में, और इसी में जो है ये फूल डोल महोत्सव बढ़ता है। तो ये प्रमुख त्यौहार लगभग लगभग मैंने करवाए हैं, उसके बाद जब अपन लोग देवता देवियां पढ़ेंगे राजस्थान की तो उसमें जितने भी मेले वो आ जाएंगे, उसके बाद बचे हुए जो मेले हैं वो पशु मेलों के अंदर अपन करेंगे, जब पशु गणना करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। यहाँ तक इतना है, थैंक यू, धन्यवाद।